करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर में रोजगार मेले में दिखी बेरोजगारों की फौज। जमशेदपुर के साक्षी स्थित करीम सिटी कॉलेज में गुरुवार को दो दिवसीय एम्प्रेंटिसशिप सह जॉब मेला प्रारंभ हुआ। यह आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं झारखंड उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सहयोग से तथा बोर्ड ऑफ पैट्रिकल ट्रेनिंग एवं कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। रोजगार मेले में जमशेदपुर के अलावा कोल्हान के 3 जिलों में स्थित दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से भी आए युवक युवतियां हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान अभ्यर्थियों काफी उत्साह देखने को मिला। इसके साथ भी कॉलेज प्रांगण से लेकर सड़क तक युवक युवतियों की लंबी व बढ़ती कतार बेरोजगारी को दर्शा रही थी। इसमें डिप्लोमा के अलावा इंजीनियरिंग डिग्री धारक एवं सम्मान स्नातक भी शामिल थे। पहले दिन करीब 3,500 अभ्यर्थी रोजगार मेले में शामिल हुए। लगाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि झारखंड और उसके एतराफ में वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो भी छात्र हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको अपने कैंपस में बुला करके बुलाया हमने। और इसमें 65 इंडस्ट्रीज हैं, 65 इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े भी हैं, छोटे इंडस्ट्रीज भी हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज जो आए हैं, इसमें से बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है एक साल के लिए वो लोग पहले अप्रेंटिसशिप में रखेंगे, जो फ्रेश ग्रेजुएट है या फिर डिप्लोमा जो किए हुए हैं। एक साल जब उनके ट्रेनिंग के बाद, अप्रेंटिसशिप के बाद, उनके परफॉर्मेंस के बुनियाद पे वो कंपनी फिर उनको परमानेंट करेगी। तो इस पीरियड में उनको 8,000 से 10,000 रुपये तक उन लोगों ने उनको देंगे। और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा भी है, टेल्को भी है, टाटा मोटर्स है, टीन प्लेट है जमशेदपुर की, और जिंदल भी है। और एक दूसरी जो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो हमारे डिप्लोमा और डिग्री होल्डर हैं जो वोकेशनल में, उनके अलावा जो सैंपल ग्रेजुएट है उनको भी ये लोग जो है चांस दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और करीम सिटी कॉलेज ओपन फॉर ऑल रखा है, इसमें सब कोई निःशुल्क है, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है इसमें। जो आसपास के कॉलेज हैं, जो कोऑपरेटिव कॉलेज हैं, वर्कर्स कॉलेज हैं, सारे वुमेन्स कॉलेज हैं, सारे बच्चों को आप इनवाइट किए हैं क्या? सभी कॉलेजेस को मैंने भेजा है, तमाम प्रिंसिपल को इनविटेशन भेजा है, और सभी कॉलेज के से बच्चे सब हमारे यहाँ आ रहे हैं।